वेलकम टू द शिवन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों हम आपको आज दिखाएंगे ये एचपी का G4 लैपटॉप, अखिलेश यादव वाला लैपटॉप है। और ये मेरे पास आया था, लैपटॉप डेड था। तो इसके अंदर जो हमने डायग्नोस करा है वो इसकी ये पावर आईसी है, और जब हमने ये पावर आईसी चेंज कर दी है तो ये लैपटॉप हमारा ओके हो गया। थोड़ा सा मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊँगा कि कैसे हमने इसको फाइंड किया कि आईसी ख़राब है इसकी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप ये आईसी देख रहे हैं इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी पावर आईसी है, तो आप लोकेशन देखेंगे यहाँ पे PU3 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और जूम करके दिखाएं इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PU3 लिखा हुआ है और ये इसकी पावर आईसी है। और इस पावर आईसी के अंदर जो चिप, जो हमारी ये पावर आईसी है, इसमें जो नंबर दिया गया है, इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर है इसका, क्या दिख रहा है, EN लो पास करके दिखाओ ना, 90 दिखाओ, अपने हिसाब से दिखाओ। देख सकते हैं इसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, 20EL, ठीक है, ये इसकी पावर आईसी। लेकिन तो सिस्टमेटिक पे आप इसका नंबर देखेंगे, देख सकते हैं आप PU3 लोकेशन नंबर है, और इस आईसी का जो नंबर है वो RT8223 है। और इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम आ रही थी, पिन नंबर 16 पे हमें VIN 18 वोल्ट तो मिल रही थी, पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो ऑलवेज वोल्टेज है, वी रेगुलेट 3 वोल्ट, पिन नंबर 8 पे वी रेगुलेट 5 वोल्ट, पिन नंबर 17 पे हमें नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही हमने आईसी चेंज करी तो 18 वोल्ट तो VIN पिन नंबर 16 पे हो रही थी, और चेंज करते ही हमारी पिन नंबर 8 पे 3 वोल्ट और पिन नंबर 17 पे 5 वोल्ट हमारी ऑलवेज वोल्टेज आ गई। तो मैं आपको ये मेज़र करके दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज वाकई में कैसे हम लोग चेक करी है, और हमने इसी से हमने इस आईसी को फॉल्ट का पता किया। सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट में हमारा 18 वोल्ट अडाप्टर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने मशीन ऑन कर दी है, मैं आपको दिखाऊँगा, ये हमारी सप्लाई मशीन है, लैपटॉप रिपेयर करने के लिए हमारे को बहुत काम में आती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा पिन नंबर, ये इसका गाइड पॉइंट है, देख सकते हैं आप आईसी का जो गाइड पॉइंट है वो ये है, देख सकते हैं इस यहाँ से पिन नंबर 6 पिन की हमारी इधर से आईसी है, और 16 नंबर की पिन पे सबसे पहले हमें 18 वोल्ट चेक करना है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारा 18 वोल्ट आ गया। पिन नंबर 16 देख सकते हैं, पिन नंबर 16 पे हमारी ये वोल्टेज आ गई है। इसके बाद हम देखेंगे पिन नंबर जो 8 है उस पर 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, और उसके बाद पिन नंबर जो 17 है इस पर हमारी 5 वोल्ट आनी चाहिए, जो कि हमारी आ चुकी है। जैसे हमने 5 वोल्ट आ गई, तो इसके बाद ऑन ऑफ स्विच पर भी हमारी 3.3 वोल्ट आ गई, देख सकते हैं। और जैसे ही हम पावर के बटन को शॉर्ट करेंगे तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। डिस्प्ले आपको दिखा देते हैं, बीजे केबल लगा के दिखाओ, बीजे हमने प्लग कर दिया, और अब आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है, और प्रॉपर मशीन ने एम्पियर भी ले लिया है। और जैसे हमने पावर आईसी चेंज करी, हमारा सेट ओके हो गया है। ये इसकी पावर आईसी है जो हमने रिप्लेस किया है, और सिस्टम हमारा ओके हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9917121213। धन्यवाद।